प्रिय पवित्र कुंवारी दुल्हन, मैं कितना पसंद करता हूँ कि हर सप्ताह आपको बटन दबाकर चलाने और हमारे दिन के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए प्रोत्साहित करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह हमारे दिन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना है। यह वो नहीं है जो जोसेफ ब्रह्म कहते हैं या विश्वास करते हैं, यह तो वो है जो परमेश्वर की प्रमाणित आवाज ने हमें बताया है। मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की आवाज हूँ। यदि आपके पास इस संदेश का थोड़ा भी प्रकाशन है, तो यह एक छोटा सा परिच्छेद काफी होगा जो कोई भी आपसे मिलता है उसे बताने के लिए, प्रत्येक विश्वासी को आपकी कलीसिया में बताने लिए कि वो आवाज सबसे महत्वपूर्ण आवाज है जिसे आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। यह सोचकर उसी वचनों को हम सुनते हैं जब हम बटन को दबाकर चलाते हैं, वो परमेश्वर की आवाज है जो सीधे हमसे बात कर रही है। पिता ने इसे रिकॉर्ड करके और संग्रहित किया था जिससे कि हम हर दिन हर क्षण बटन को दबाकर चला सकें, ताकि हम सुन सकें कि वह हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमें आशीष दे रहा है, हमारा अभिषेक कर रहा है और हमारे सारे डर और संदेह को दूर कर रहा है केवल बटन को दबाकर चलाने के द्वारा। हमें जिस किसी चीज की आवश्यकता है ठीक तभी बटन को दबाकर चलाए, और ये वहाँ पर है, वो वहाँ पर हमें याद दिलाने के लिए उपस्थित है कि हम वो वचन हैं, वो हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हमारे अंदर है। शैतान एक धोखेबाज है, वह हार चुका है, कोई भी चीज हमसे उस वचन को नहीं छीन सकती। परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा हमें इसे दिया, यह जानते हुए कि हम उसकी दुल्हन हैं, हम आरंभ से ही उसके साथ थे। हम भला ऐसी कौन सी आवाज को सुन सकते हैं जो उस एकमात्र आवाज से अधिक बढ़कर होगी जिसे अग्नि के स्तंभ के द्वारा परमेश्वर की आवाज होने के लिए प्रमाणित किया गया है। कोई भी दूसरी आवाज नहीं है। पिछले सप्ताह उस आवाज ने हमें क्या बताया? मैं हमेशा ही आपका दावा करता रहता हूँ, और वह भी मेरे भाई और बहन के रूप में, आप मेरे बच्चे हो। मैं सुसमाचार में आपका पिता हूँ, ना ही पिता जैसा कि यह एक याजक होता है। मैं सुसमाचार में आपका पिता हूँ जैसा कि पौलुस ने वहाँ पर कहा था, मैंने आपको मसीह के लिए जन्म दिया है, और अब मैं आपकी मसीह से मंगनी लगाता हूँ। यह आपको एक पवित्र कुंवारी के रूप में मसीह के साथ बांध देता है। मुझे निराश नहीं करना, मुझे निराश नहीं करना, आप एक पवित्र कुंवारी बने रहना। हमें उस वचन के प्रति, उस आवाज के प्रति अवश्य ही एक पवित्र कुंवारी बने रहना है। हमारे लिए इसे सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका है कि हम ऐसा कर रहे हैं, बटन को दबाकर चलाएं। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं वही हूँ जो आप कहते हो, परमेश्वर का सेवक, एक भविष्यवक्ता, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को सुनो, समझे। हो सकता है कि आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, और यदि आप नहीं समझ सकते हैं तो आप बस वही करें जो मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, दूसरे भी अभिषिक्त पवित्र आत्मा के लोग हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उन लोगों में से एक हूँ। मेरा विश्वास है कि मुझे उसके द्वारा आपके सामने उसके वचन को रखने और आपको इस संदेश, परमेश्वर के वचन, उस आवाज की ओर संकेत करने के लिए बुलाया गया है। जैसा कि पत्रस ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा ही यह सुधि दिलाने में लापरवाही नहीं करूंगा कि केवल एक ही आवाज है जिसे परमेश्वर ने उसके वचन को प्रकट करने के लिए बुलाया है। एक आवाज जिसे परमेश्वर ने प्रमाणित किया, एक आवाज जिसे परमेश्वर ने कहा उसकी सुनो, एक आवाज जो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की आवाज हूँ। इसे पूरे हृदय से याद रखें, उस वचन के साथ बने रहें। आप उस वचन को नहीं छोड़ना, इसके विपरीत कुछ भी हो उसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ भी हो, तब आप जानते हैं कि यह सही है। मैं निश्चित रूप से इस बात को समझता हूँ कि मुझे इतना गलत क्यों समझा जाता है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सारे सेवकों के विरोध में हूँ, कि मेरा विश्वास है कि किसी को भी प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि आप भाई ब्रह्म के अलावा किसी अन्य सेवक को सुनते हैं तो आप दुल्हन नहीं हैं।
जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है या ऐसा विश्वास किया है। भविष्यवक्ता ने पिछले सप्ताह इसे अच्छी तरह से समझाया कि मैं ठीक कैसा महसूस करता हूँ और मैं क्या विश्वास करता हूँ। जिस समय भाई ब्रह्म यहाँ पर थे, उस समय जेफरसन विले के क्षेत्र में कम से कम 3 और भी संदेश की कलीसियाएं थी। पिछले रविवार की सभा में भाई ब्रह्म ने कहा कि स्थानीय पास्टर शाम की सभा के लिए वहाँ नहीं थे, उनकी अपनी कलीसिया की शाम की सभाएं थीं। इस प्रकार उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आकर शाम की सभा के लिए भाई ब्रह्म को सुने, लेकिन अपनी कलीसियाओं में सभाओं को रखा। यह उनका निर्णय था और जो उन्हें करने की अगुवाई महसूस हुई और इसके लिए भाई ब्रह्म सहमत थे। आज भी जेफरसन विले क्षेत्र में बहुत सी कलीसियाएं हैं, उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा वे अगुवाई महसूस करते हैं जो प्रभु ने उन्हें करने के लिए बताया है। यदि वे अगुवाई को महसूस नहीं करते कि टेप चलाए, प्रभु की स्तुति हो, वे वही कर रहे हैं जिसके लिए वे अगुवाई को महसूस करते हैं, और यही है जो उन्हें करना चाहिए। वे फिर भी हमारे भाई और बहन हैं और इस संदेश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अवश्य ही वही करते हैं जो हमें करने के लिए अगुवाई महसूस होती है, बटन को दबाकर चलाते हैं। हम भविष्यवक्ता को सुनना चाहते हैं। जैसा कि भाई ब्रह्म ने 30 अगस्त 1964 को किया, मैं आपको दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समयानुसार हमारे साथ आकर जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जब हम एक बार फिर भविष्यवक्ता को हमारे लिए संदेश को लाते हुए सुनते हैं, 6408-30M प्रश्न और उत्तर 3। भाई जोसेफ ब्रह्म,